टूलबॉक्स जिसके पास है वही खोल सकता है, नहीं तो इसके लिए आरएस का स्पेशल टूल चाहिए। आरएस का स्पेशल टूल रहेगा, आप कोई भी गाड़ी खोल लेंगे, इस तरह से खोल लेना। 12 का टी देना है और या रिंग रिंच होगा उससे भी काम कर लेना है। उसके बाद यहाँ 3 बोल्ट है, 1, 2 और यहाँ 3, तीनों बोल्ट को हमें खोल लेना है। हवा की ज़रूरत पड़ती है, और जो वेस्ट के लिए घर में तो सबके पास एयर गन होगा नहीं, एयर गन चाहिए नहीं तो उसका भी उपाय है। उपाय क्या है? वो उपाय अपने को करना है ये। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मोटो मिस्त्री में। आज हम बस इतना बताएंगे कि AS150 पल्सर बजाज AS150 का फिल्टर कैसे साफ होता है। सुना है कि उसमें बहुत ज़्यादा झंझट है, ये नट वो नट, टंकी खोलो, हर चीज़ अलग होता है, उसके बाद फिल्टर निकलता है। हम मौजूद हैं बजाज के सर्विस सेंटर पे, एग्जिबिशन रोड सवेरा होटल के पास आपको ये मिलेगा। यहाँ पे राजीव भाई हैं जो कि बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से AS150 का नट बोल्ट खोलना है और एयर फिल्टर कहाँ है और कैसे साफ़ करना है, सब चीज़ हम जानेंगे। तो सीधे चलते हैं कि कैसे होता है। मैं राजीव कुमार, आइए हम आपको बताते हैं कि AS150 का एयर फिल्टर कैसे साफ किया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले 8 नंबर खोलना है, उसके बाद इस तरफ 5 नंबर एलकी का बोल्ट दिया हुआ है जो यहाँ साइड छुपा हुआ रहता है बोल्ट, आपको इसको ध्यान से देख के खोलना पड़ेगा, नहीं तो इसका फेयरिंग डैमेज भी हो सकता है। फिर यहाँ एलकी बोल्ट है, फिर यहाँ 4 का एलकी बोल्ट है, इसको खोल लेना है। फिर यहाँ पुश बटन है, इस लॉक को निकाल लेना है इस तरह से। अधिकतर लोग हमारे जो इतना कस्टमर वो खोल ही लेता है, खोल लेता है। सबको उतना इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि अगर प्रॉब्लम में फंस जाए तो खुद कर सकता है। और फिल्टर मुझे लग रहा है इसी AS150 में बहुत झंझट है। हाँ, बहुत ज़्यादा AS150 प्लस RS। डोमिनर ये सब में उसका इजी है, लेकिन RS में थोड़ा झंझट है। RS के लिए पूरा खोलना पड़ता है। सेम चीज़ है, जो जो बोल्ट हमने इधर खोला वही चीज़ इधर भी उतना ही खोलना पड़ेगा। देखिए सेम चीज़ हमने इधर इधर सबका खोले, जैसे इधर खोला तो वैसे यहाँ का भी खोल लिया। अब आते हैं यहाँ आगे नीचे, यहाँ 4 नंबर एलकी बोल्ट है, यहाँ एक स्क्रू है 4 नंबर एलकी का, इसको भी खोलना है क्योंकि यहाँ आगे का पोर्शन इसी से टाइट किया हुआ है। तो जब तक इसे खोलिएगा नहीं फेयरिंग टंकी का वायर नहीं निकल पाएगा। इस बोल्ट को खोल के निकाल लेना, सेम बोल्ट इधर भी है उसी तरह से आपको इधर का भी बोल्ट खोल लेना, उस तरह से इधर का भी बोल्ट ऐसे खोल लेना। उसके बाद आते हैं यहाँ, यहाँ जो है 8 नंबर का बोल्ट छोटा सा, तो यहाँ का भी बोल्ट अपने को खोल लेना है। तो इस बोल्ट को भी खोल लेना है, और सेम बोल्ट जैसे 8 नंबर इधर का खोला है वैसे ही सेम बोल्ट उधर भी है, तो अपने जी तो अपने को उधर का भी खोल लेना है। जैसे इधर खोले हैं वैसे यहाँ है। अब ये 5 एमएल की बोल्ट जो है इसको भी खोल लेना है, टंकी के ऊपर है, और इसको भी अपने को खोलना है ये दोनों बोल्ट को। टूल बॉक्स जिसके पास हो वही खोल सकता है, नहीं तो फिर इसके लिए आरएस का स्पेशल टूल चाहिए। आरएस का स्पेशल टूल रहेगा, आप कोई भी गाड़ी खोल लोगे इस तरह से खोल लेना।
इस तरफ से जिस तरह से उधर से खोले उधर से सेम बोर्ड इधर भी है, इसको भी खोल लेना अपने को। यहाँ खोल लिए उसके बाद जैसे मैंने बताया था यहाँ छुपा हुआ बोल्ट रहता है एक जाली टाइप का रबर से, इसके अंदर भी एक बोल्ट है, इसको भी खोल लेना। उसके बाद अपने को टर्न लाइट का जो होता है इस तार को कोड को डिस्कनेक्ट कर लेना, क्योंकि जब तक डिस्कनेक्ट करोगे नहीं और ये निकलेगा नहीं। इस तरह से यहाँ कोड है, इसको ऐसे ऐसे निकाल लेना। सेम चीज़ उधर भी है, इस तरफ का भी ऐसे निकाल लेना। इस तरह से हमको ऐसे कर लेना है इसको नीचे की ओर। उसके बाद आगे से इस तरह से आके हमको ऐसे पकड़ना है और ये ऐसे ऊपर की ओर खींचना है, प्लस ध्यान देते हुए टूटे ना, क्योंकि टूट जाएगा तो अपने को ही नुकसान ही होगी ना, उसी हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये सब हटाते हुए आपको करना है। वैसे इसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है इसके फेयरिंग को निकालने में। तो फेयरिंग खुल गई जी, इस तरह से खोल के निकाल लेना, पेचकस को खोल लेना इस बड़े वाले पेचकस से। यहाँ स्क्रू है और यहाँ नीचे स्क्रू है, इसे भी खोल लेना है। प्लस पैनल खींचने के अधिकतर लोग ऐसे पड़ के कवाड़ देते, वैसे नहीं करना है, यहाँ हाथ लगाना है इस तरह से खींचना है और यहाँ हाथ लगाना है इस तरह से खींच लेना है। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, मिलेगा। उस तरफ का खोलेंगे पड़ेगा। सेम चीज वो भी है, इस तरफ का भी पैनल अपने को खोल लेना है, इस तरफ का ऐसे भी खोल लेना है, यहाँ नीचे भी है इसको भी खोल लेना है। उल्टा खींचेंगे तो ये टूट सकता है इसके अंदर का ये लॉक, इस तरह से ऐसे यहाँ डाल के ऐसे खींचना है अपने को, इस तरह से खींचना है, ऐसे ही खींचना है, ना कि इसको ऐसे पड़ के कवाड़ लेना, ऐसे नहीं, ऐसे कवाड़ेंगे तो इसके अंदर का ये जो लॉक है, ये जो लॉक है ये टूट सकता है, टूटने के बाद फिर ये लॉक नहीं होगी और जिसके वजह से वाइब्रेशन आ सकता है बॉडी में। तेल को ऑफ कर देंगे ताकि टंकी हम निकाले तो पेट्रोल गिरे ना, तो तेल को इस तरह से ऑफ कर लेना है। उसके बाद टंकी का एयर पाइप है यहाँ पे, इस पाइप को हमें इस तरह से खींच के निकालना है, निकाल लेना है, इस लॉक को बाहर निकालना है, प्लस टंकी को इस तरह से खोल लेना है। उसके बाद यहाँ जो है फ्यूल इंडिकेटर का कोड है, इसे इस तरह से दबा के निकाल लेना है। 12 के टी लेना है और या रिंग रिंच होगा उससे भी काम कर लेना है। उसके बाद यहाँ 3 बोल्ट है, 1, 2 और यहाँ 3, इस तीनों बोल्ट को हमें खोल लेना है। तीसरा बोल्ट यहाँ है। उसके बाद टंकी को थोड़ा सा उठाना, उठाने के बाद ये पाइप है जो पेट्रोल टेप का, इसको खोल लेना है अपने को, इस तरह से घुमाते हुए खोल लेना है। प्लस ये टंकी का पानी का पाइप है, इसको भी खोल लेना है। उसके बाद इस टंकी को ऐसे उठा के बाहर रख लेना। उसके बाद फाइनली हम लोग एयर फिल्टर खोलेंगे। 10 के टी से 10 नंबर टी लेना है जी। उसके बाद हमको इसके 4 बोल्ट को खोल लेना है। ये गाड़ी और RS दोनों थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बाकी गाड़ी में नहीं है ऐसा? नहीं, 220 ईजी है, 220 पल्स होगा, इससे तो ईजी है डोमिनार का, उसमें ज़्यादा नहीं, 6-3 हाँ 6 और 4 10। फाइनली खुल गया, आपको भी खुशी हो रहा होगा जी। चलिए अब साफ करेंगे। हाँ।
साफ में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ करना था, थोड़ा सा बस कपड़ा। नहीं, इसमें कपड़ा नहीं, हवा की जरूरत पड़ती है। और जो वेस्ट के लिए घर में तो सबके पास एयर गन होगा नहीं, तो घर में कैसे कोई करेगा, मतलब कपड़ा मार देने से? कपड़ा मारने से नहीं होगा, नहीं होता, एयर गन ही चाहिए। एयर गन चाहिए, नहीं तो उसका भी उपाय है। उपाय क्या है? वो उपाय अपने को करना है, ये एयर फिल्टर है बेसिकली। अगर जो घर में हम लोग खोल रहे हैं और साफ करने का इसका तरीका, अगर ये भीगा हुआ है या गीला है तो इसको थोड़ा सा धूप में छोड़ देना है ताकि ये सूख जाए। उसके बाद हमको जो है इसे इस तरह से झाड़ना है। हाँ, ऐसे झाड़ने से इसका जितना भी डस्ट है सब निकल रहा है। इस तरह से अपने को झाड़ लेना। हाँ, काफ़ी है, बिल्कुल ऐसे करके झाड़ लेना है तो जितना भी इसका डस्ट है वो निकल जाएगा। धोना तो नहीं चाहिए मुझे लग रहा है। इसको धोने की जरूरत नहीं, ये पेपर फिल्टर है। तो हाँ, पेपर फिल्टर में सिर्फ हवा मारा जाता है या फिर आप इसको झाड़ कर साफ कर सकते हैं। चलिए, तो और घर मुझे लग रहा है झाड़ने ही से काम चलेगा। हाँ, और माइलेज तो बढ़ ही जाएगा फिर। बिल्कुल, तो बस इसको झाड़ के वापस लगा देते हैं। बिल्कुल, इस तरह से झाड़ के, इतना बस झाड़ने के लिए इतना मेहनत? हाँ, झाड़ने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इस अगर ये जाम हो जाए या फिर ये चौक हो जाए तो हवा इसको जितना इसके अंदर जाना चाहिए वो जाएगा नहीं। जिसके वजह से क्या होगा, स्टार्टिंग ट्रबल आएगी, गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। फिर जैसे हवा और पेट्रोल का सही से मिक्सचर नहीं हो पाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, स्टार्टिंग ट्रबल करेगा, प्लस माइलेज में भी इशू आ सकती है। तो इसके लिए हमको इसको साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, हम आए थे राजीव भाई, बताइए दिए कि एक AS 150 देखिए आपके सामने है, एक ये फिल्टर झाड़ने के लिए आपको ये हाल करना पड़ेगा AS 150 का, पल्सर AS 150 का, कि टंकी वंकी सब खोलना होगा तभी ये फिल्टर साफ होगा, तभी आपको माइलेज मिलेगा। राजीव भाई ने एक एक स्टेप बता दिया है, लेकिन टूल बॉक्स होना ज़रूरी है। तो बस आपने सीख ही लिया कि ये फिल्टर कैसे साफ करते हैं AS 150 बजाज पल्सर का। तो बस अब क्या करना, बस मोटो मिस्त्री पे देखते रहिए और खुद से गाड़ी बनाते रहिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।